गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, करते हैं नए दिन। क्या भोसड़ी का आगे चल रहा है यार। तो गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, करते हैं नए दिन, नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ये ब्लॉग शूट किया जा रहा है, हम हैं चलो आगे ऊपर बताऊंगा ऊपर जाके, ठीक है। 8-6 मतलब 4-5 घंटे का ट्रैक है, उसे पूरा करके उसके बाद बताते हैं कहाँ आए हैं और उसके बाद ही दिखाते हैं कहाँ पर हैं। यहाँ से करता हूँ नया व्लॉग शुरू, गुड मॉर्निंग वाला। तो गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, करते हैं नए व्लॉग, नए दिन की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो अपन आ चुके हैं, चलो अब मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, हमें तुंगनाथ महादेव की नगरी समझ लो और है। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होएगा, सारे दोस्त हैं हम, उनमें से एक ये खड़ा हुआ। कैसी लग रही है ठंड, मजा आ रहा है? मजा पूरा कर लेगा, कर लेंगे, अब तो अब तो करना पड़ेगा बेटे, अब तो करना पड़ेगा, करके जाएंगे। बस ये ठंडी वो है, सूखी ठंड है, इसलिए ज़्यादा भयंकर लग रही है, और भी ज़्यादा बस वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और कप कप ही उतर नहीं रही है भाई, बहुत ज़्यादा लग रही है। क्यों भाई? बहुत ठंड है, सूखी ठंड है, कहाँ पर आया ऊपर से नीचे तक। कंपन तो हमारी खुद की ना उतर रही, बाकी दो हमारे हल्के होने गए हैं सुसुगर ने, वो आ जाएं तो हम भी अपनी भाई स्टार्ट कर दें। तेरे को दिखाऊं भाई? ऐसा तो कवर्ड है पूरा, पर रहने देना, दिखाना फिर भी इतना सही ना है। अबे ओए ओए, डंडे लेगा, चढ़ जाएगा यहाँ, चढ़ जाएंगे, पक्की बात है, देख ले है। चल, मेरा तो वैसे भी दूसरी बार है, सॉरी। ट्राईपोड कहाँ है? ले ले, मर्जी है तेरी, गाड़ी आ गया। तो यहाँ से करना ट्रक शुरू हुई है अपनों को, अभी आ गया पूरा, वो दिखा देंगे हिस्ट्री आप। ये लो भाई, आगे बोर्ड लग रहा होगा, तो बोर्ड कहाँ गया? सही रहा। हेलो भाई, वीडियो पोज करके पढ़ लेना, ये देखो, हर हर महादेव। चले भाई, चलो भाई, हम चढ़ाई करते हैं शुरू। बोल हर हर महादेव, बोल दे के बोल, तक्कल भगवान के जय, हर हर महादेव। चलो भैया, चलो भैया, हो गई हर हर महादेव, अपना ट्रैक कर दे मैं शुरू। पता नहीं मेरा आज का व्लॉग वो डला होगा नहीं डला होगा, नेटवर्क ही नहीं है, शेड्यूल करके तो रख दिया था। चलो भाई, ट्रैक शुरू हो गया और 600-700 मीटर आए अभी तक, बस हालत ख़राब है, सांस फूल गई है, बट साथ वाले नहीं आके दे रहे अभी भी। भाई आ जा, अबे फोटो सेशन कब तक चलेगा? ये देखो आप भी एंजॉय करो। चले पक्की बात, आ जा। कैसा लग रहा है केदारनाथ में? पता है फर्स्ट हाफ तो बढ़िया करा हमने, लेकिन जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ ना केदारनाथ का, वो थी कड़ी चढ़ाई। बट मुझे अभी इसमें कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, अभी तो मज़ा आ रहा है। रास्ता करो आधा किलोमीटर, अभी तो बहुत रह रहा है ना, इधर से चल रहे हैं। कौन सा? यही तो जा, ये अभी ये तो वैसे तो वही है, वहीं जाना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अरे 2% भी नहीं करा अब, मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत बढ़िया वाला। हम है तुंगनाथ। तो व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया है, आप वीडियो को रोक के इसके बारे में सारा पढ़ लो, और लाइफ में एक बार मौका मिले ना तुंगनाथ ज़रूर आओ। खैर, भोले नगरी सारी बढ़िया है, बस केदारनाथ में एक फ़ायदा हो गया था, हमने वो ली हुई थी, क्या कह रहा था, नाम याद नहीं आ रहा यार, भूल गया नाम मैं, नाम बहुत कपूर, हाँ कपूर ली थी। शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया क्योंकि आगे की साइड कच्ची बर्फ है जिस पे पैर फिसलना ही फिसलना, और कुछ ये शॉर्टकट है ये। ओ भाई,
लास्ट टाइम तुम नाथ आया था 2020 में या 21 में, याद नहीं आ रहा, नवंबर का टाइम आया था, तब भी यही शॉर्टकट लिए थे सेम। ये देख लो हालत ख़राब हो रही है, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रैक बाकी है, मुश्किल से 900 मीटर दूर आए होंगे बस, बट सीधी खड़ाई चढ़ाई है इसलिए दिक्कत हो रही है। कपूर होती तो थोड़ा हिम्मत बन जाती। कोई नहीं, महादेव है तो क्या दिक्कत है, मेरे तो सब कुछ महादेव ही हैं। देख लो इन्हीं पे चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा, इसी से बच के शॉर्टकट लिया था, बट ये यहाँ पे मिट्टी की सपोर्ट मिल रही है तो दिक्कत नहीं हो रही। नहीं नहीं आ जाइए इजली आ जाइए, हाँ जी हाँ जी, पाथ मार्क्स बने हुए हैं उन पे पैर रख रख के आ जाइए आप। हाँ फोटो खींच रही, आगे वीडियो बना ले एक चढ़ते हुए कि मैं चढ़ के आ रहा हूँ, ऑर्डर देना पड़ता है, वीडियो ऑन कर जरा। तो वीडियो पे लगा दिया मैंने एक को, तो वीडियो बनवा रहा हूँ, वीडियो भी बन रही है, व्लॉग भी बन रहा है, हम मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड, यही हुनर दिया भगवान ने, भोलेनाथ ने, थैंक्स ब्रो। जैसा तैसा हाफ ट्रैक तो कंप्लीट कर लिया, बाकी गुप्ता जी को चोट लग गई, हमारे को थोड़ी सी फिसल गया था कच्ची बर्फ पे। गुप्ता कैसे लगवा लिया यार, दिखा जरा, ग्लव्स भी आ दिए उसने, देखियो ये देखो लगती रहेगी, भैया जी को लग गई है, बाकी बस इतना ही हो रहा है जितना ट्रैक कर लिया, इतना बाकी है अभी, एक बार कंप्लीट हो गया ऊपर जाकर आराम से दर्शन करेंगे, दर्शन तो करके ये कपाट बंद है, दूसरी बार भी कपाट ही बंद मिले हमें, तो टाइम ऐसा चूज करें आने के लिए। बाकियों का फोटो शूट हो रहा है अभी, क्योंकि हमारे साथ फोटोग्राफर भी तो बहुत सारे आए हैं। ऑलमोस्ट ट्रैक डन हो गया है, दर्शन करने तुम नाथ के तो बताओ, चलो यहीं से जूम करके दिखा देते हैं महादेव का धाम, वो देखो ये तुंगनाथ मंदिर मेरे महादेव, ये देखिए, और ये कुछ नज़ारा, तो ऑलमोस्ट डन हो गया, थोड़ा बाकी है बस, थोड़ा और रह गया, उसके बाद सीधा महादेव के चरणों में हमारा माथा। बाकी कच्ची बर्फ हो रही है एकदम, ये देखो बिल्कुल कच्ची बर्फ है, पैर फिसल रहे हैं, और जूते हर बार की तरह गलत पहन के आ गया, पहले पटिया था जब फर्स्ट टाइम आया था तुंगनाथ तो जूते सही थे, इस बार जूते गलत है। भोले बाबा जैसे पास पहुँचने से पहले बच्चों के पास तो जाना पड़ेगा, तो पहले गणपति जी के दर्शन करें तभी मतलब दर्शन पूरे माने जाते हैं यहाँ पे, ये पहले नहीं पता था मुझे लेकिन अब पता है, तो आप भी करो हम भी कर रहे हैं दर्शन, और यहाँ से करेंगे वापस तुंगनाथ जी की परिक्रमा शुरू, परिक्रमा ही कहते हैं वैसे तो, क्यों छेड़ रहा है फिर तेरे चेहरे पर मुझे इमोजी लगानी पड़ती है ना ना चल डाले हाँ आज का व्लॉग मुझे पता नहीं है अभी तक अपलोड हुआ है नहीं हुआ है नेट की वजह से, नेट चल रहा है तेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अब तो भाई जो हो गया देखा जाएगा। 100 मीटर दूर रह गए, उससे पहले यहाँ पे एक आकाश कुंड बनता पड़ता है, मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इधर इधर ये रास्ता, इधर नहीं नहीं ये नहीं है, ये रास्ता है, ये तो कुंड का रास्ता है, वही है मेन रास्ता, वही है, ये नहीं है, ये पानी का रास्ता है, ये आ गए अपन आकाश कुंड। अब तो खैर बंद है सब कुछ, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, सब खाली है, बाकी महादेव जी तो ऊपर है हमारे, वैसे तो कपाट बंद मिलेंगे लेकिन वही है, मेरे को तो भोले बाबा के पास जाने बहुत बड़ी बात लगती है यार, और टचवुड
भोले बाबा याद भी करते रहते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी बहाने मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। इससे पहले केदारनाथ कराए गए थे, वहाँ के दर्शन कराए थे, फिर से भोले की नगरी आ गए तुंगनाथ, तो तुंगनाथ के दर्शन करा देते हैं। In and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. ये देख लो यहाँ पानी कैसा बनाया जा रहा है, बर्फ को पिघला रहे हैं। ये सीन है, ऐसे पानी मिलेगा पीने के लिए। बर्लिन यार, ये देखना कंडीशन, ऐसे पानी पिया जा रहा है, बर्फ को पिघला पिघला के, क्योंकि पानी है ही नहीं, जो है वो जमा हुआ है ऑलरेडी। एक बिस्किट ले लेते हैं, मंदिर के नीचे खड़े वैसे, बिस्किट ले ले, बिस्किट ले ले। मंदिर आ गए लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैरिकेटिंग सी कर दी है, पार्टीशन बना दिया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था 2020 में तो मंदिर तक दर्शन किए थे अच्छे से, बट अब वो वाला मुझे लग नहीं रहा, मतलब लग नहीं क्या, गेट ही बंद कर दिए हैं। बाकी आप दर्शन कर लीजिए, मनोकामना मांग लो सब, मेरे तो सबके लिए है कि भोले बाबा सबकी कृपा करें, तभी भोले बाबा हैं। दर्शन अपने अच्छे से हो गए, मत्था टेकना था वो टेक लिया, और बस चंद्रशिला के लिए चलेंगे। इसके बाद ट्रैकिंग 1 किलोमीटर की हो रही है चंद्रशिला की, वो करेंगे। हर हर महादेव। हम नवंबर में आए थे लेकिन ये बैरिकेटिंग वाला सीन नहीं था, इस बार बैरिकेटिंग सी की हुई है। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मतलब पहले कपाट बंद थे, बट कपाट अभी भी बंद है, पर वही है बीच में उन्होंने बैरिकेटिंग कर दिया, आगे तो नहीं जा सकते। बट कोई नहीं, अब यहाँ से निकलेंगे चंद्रशिला 1 किलोमीटर। कोई अपनी लाइफ से परेशान हो तो इधर आ जाना एक बार। अच्छी जगह कूदने के लिए। मैं 2020 की फ़ोटो मेरी यहाँ की है, मेरी इंस्टाग्राम पे जो डाली हुई है सारी पुरानी फ़ोटो जितनी भी है वो इस जगह की और उस लोकेशन की है, पूरी इन दोनों लोकेशन पे ही फ़ोटो खींची थी। शुभम भाई वगैरह के साथ, उन सब के साथ आया था मैं, बट इस बार अपने भाइयों के साथ आए हैं। तो अब जा रहे हैं चंद्रशिला, तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। वही कपाट तो बंद है, बट कई बार बता चुका मैं कपाट बंद है, बट कोई दिक्कत नहीं है, दिल में महादेव तो हर हर महादेव। हाँ, अब यहाँ से चंद्रशिला है पूरा 1 किलोमीटर, लेकिन जो ट्रैक है ना भयंकर वाला है, देख लो। और यहाँ से अभी ऊपर है, दिख नहीं रहा, आगे जाके दिखाऊंगा, वो और भी ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अभी तो शुरुआत ही है। गुप्ता जी हमारे पीछे हैं। गुप्ता जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, ऐसे कवर नहीं कर पाएंगे। हे भोले बाबा, ये का हुई, मैं तो थक गई, हमारे तो पानी भी सूख गया गले का। अंकल जी, हाँ जी, पानी पिला दीजिए। चढ़ जाओ पहले। अरे यार, नहीं नहीं, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग ओनली। गुप्ता कहाँ है? गुप्ता आ जा, आई आई आई। ये देख लो भाई नज़ारा, मेरी छोटी सी YouTube फैमिली, ये लो नज़ारे, एंजॉय करो आप। भोले बाबा आपको भी खुश रखें। मेरा सेकंड टाइम ट्रैक है तुंगनाथ का, लेकिन चंद्रशिला फर्स्ट टाइम है। ओ भाई, एक पसीना आ रहा है क्या? भाई, भाई, भाई पूछ रहे पसीना आ रहा, मैंने कहा हाँ आ तो रहा है। ये नाम का जूनियर है मेरा, अब तो आ जा, ये तो कल डलेगा व्लॉग। ये नाम का जूनियर है, ये मेरे से ज्यादा मारता है, मेरा हक बनता है इसकी मारने का, है वे? मेरा हक बनता है, तेरा बनता है,
शॉर्टकट पे ले आया, वो भी कच्ची बर्फ पे, जूते उस टाइप के है नहीं। अरे कर रहा है, चला हम पे जावे ना, और सारे ट्रैक हमें कंप्लीट करने हैं। समस्या ही समस्या है, सहारा दे रहा हूं पर भोले बाबा जब तक साथ है ना, अबे हम तो दुनिया की कोई भी चढ़ाई कर देंगे। हर हर महादेव। ये देखना हम कहाँ चढ़ रहे हैं, सीधा सीधा पहाड़ चढ़ रहे हैं एकदम पूरा। हो भाई देख लो नजारे। What you didn't expect? No, I am just talking about with YouTube family. Yes. Okay. यार YouTube family थोड़ा प्यार कर दो, भोलेनाथ के दर्शन करा रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे दर्शन करा रहा हूँ, केदारनाथ के करा दिए, तुंगनाथ आ गया, कहीं तो अच्छा कुछ मतलब रिजल्ट दे दो इस चीज का, मैं क्या क्या के थक गया यार। चलो आपको 360 व्यू इंजॉय करवाता हूँ, ऊपर जाके बस थोड़ा रह गया 500 मीटर और। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ जाना है, अगर आपको दिख रहे हो ना ये वाला, ये पीक पॉइंट जाना है हमें, ये 360 व्यू है चंद्रशिला, बस ये हो जाए एक बार, फिर नीचे उतरना शुरू कर देंगे थोड़ी देर बाद फोटोग्राफी करके वीडियो व्लॉग शूट करके। क्या हो गया क्या बनाया है, कौन सी भरवाया सिग्नल, आ रहा हूँ, आया साले तेरा कट गया हरी। छोड़ के भाग गई क्या, कौन रहा है, अगर मैं अपनी पर खोलने पाया ना तो तुंगनाथ पर दोबारा जाएगा मत्था टेंग रहा है कि बाबा मुझसे गलती हो गई थी। ओ भाई देखो जो छोड़ के जा रही है और जा रही है, और जो जा रही है उसकी जयराम जी की, और जो आ रही है वो हर हर महादेव। हाँ क्या कह रहा है, तो चल भाई मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मैं तो आ ही रहा हूँ, चलता चलता मुझे तो तुम आते हो बीच में मिल जाओ, मुझे बीच में साथ में चल दूंगा वापस नीचे। काफी टफ ट्रैक है और चंद्रशिला का ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये कीचड़ है सारा और सारा पहाड़ चढ़ना है बस, क्योंकि अगर तुमने ट्रैक चूज किया भाई कीचड़ ही कीचड़ है ना चल पाओगे, चंद्रशिला का नहीं चल पाओगे तुम, तुम तक तो आ जाओगे ट्रैक जबकि हमने उसमें भी 3 शॉर्टकट लिए थे, बट चंद्रशिला के में तुम्हें शॉर्टकट लेने ही पड़ेंगे पूरे के पूरे पहाड़ चढ़ के, क्योंकि जो कंडीशन है नीचे सिर्फ कीचड़ है क्योंकि बर्फ पिघल रही है और ये सारी कीचड़ जा रही है ट्रैक पे, तो हम तो इधर से आए नहीं है, हम आए सीधे पहाड़ ऐसे ही घूम के पूरा आ गए चंद्रशिला 50 मीटर दूर। किसी को नहीं पता, मतलब हाँ मोस्टली लोगों को पता होगा जो ट्रैकिंग का शौक है कि चंद्रशिला है किस लिए, चंद्रशिला विष्णु भगवान जी का मंदिर है इसलिए आते हैं चंद्रशिला के लिए, बट मोस्टली वो ये ट्रैकिंग प्रीफर करते हैं जो उनको बस ट्रैक कंप्लीट करना होता है, बाकी जो मेन है आने का टारगेट वो विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तो हम तो ठहरे सनातनी, तो ये लो मेरे विष्णु भगवान, ओम विष्णु देवाय नमः। हमने आपको महादेव से भी मिला दिया, हमने आपको विष्णु देव जी से मिला दिया, विष्णु भगवान जी से भी मिला दिया, बट कंडीशन बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है इस टाइम, हालत ख़राब है, लोग खुश हो रहे हैं ऊपर आके कि चलो अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया, बट सांस भी नहीं जुड़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लग रही है। बाकी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये देख लो आप खुद ही, क्या रीज़न है कि सांस नहीं जुड़ पा रही, जो देख लो खुद ही, किसी की भी सांसें नहीं जुड़ रही हैं, बट वही है मेहनत रंग लाई। ओम विष्णु देवाय नमः, हर हर महादेव।
चंद्रेश्वर आ गए, दर्शन मैंने कराए दिए आप लोगों को सभी को। बाकी पब्लिक देख लो, ये क्रिसमस का खेल है सारा, लॉन्ग वीकेंड है बस, उसके ऐसे नहीं। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था कोई भी नहीं था, गिने चुने लोग थे यहाँ पे बस, और कोई नहीं। मतलब चंद्रशिला के तक तो मैं आया नहीं था, तुंगनाक तक आया था बस, बट इस बार पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और यह देख लो महादेव की नगरी ऐसी दिखती है, वजह थी महादेव की दुनिया से दूर रहने की, शांति ध्यान लगाने के लिए। महादेव हमारे दिमाग से खेलते थे बढ़िया, कि मोह माया से दूर रहना है। ऐसे भाई होने चाहिए, ऐसा सरप्राइज दे दिया। लाइफ तो अच्छी चल रही है, खैर भोले बाबा ने संभाली हुई है। और इन सब के फोटो अभी तक ख़त्म नहीं हुए भाई। अब एक अब तो ले सकता हूँ व्लॉग में, एक है अब तो ले सकें व्लॉग में हैं भाई, डिसाइड कर लो। तो ये तो कल सुबह जाएगा, कल सुबह होएगा अपलोड, ठीक है ओके। तो भैया परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है क्यों भाई? हाँ करवा लो भाई, हमारी तो हो चुकी तरु सिंगल सिंगल, मैं तो भाई खुशू जितनी हो गई, इन्हीं का चल रहा है अभी भी। हम तो व्यू इंजॉय कर रहे हैं खड़े हुए, और आपको भी करवा रहा हूँ। ये देखो खड़ा कौन सा पॉइंट पहुँच गया ना, कहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ मैंने अभी फ़ोटो खींचे हैं इस जगह पे, ऑलरेडी पहले ही खींच चुके हैं हम फोटो। आर आर महादेव। सो गाइस वी आर हियर चंद्रशिला पीक विद 360 व्यू एज यू कैन सी। सो ये देखिए, एंड हियर इज माय फ्रेंड्स, दिस इज गुप्ता। और गुप्ता हाउ इज द जोस? हाय। ओके सो हाउ इज योर ट्रैक? सो अमेजिंग। ओके गुड। और अमित कैसा लग रहा है यहाँ के भाई? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इन पहाड़ों को एकदम फील कर रहा हूँ, जो कि आप भी कर सकते हो। ओके यू कैन ट्राई वंस। एंड 360 व्यू कैसा लगा यहाँ का? 360 व्यू तो ऐसा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। देखा ही ना, विच चंद्रशिला टेम्पल। ओके और विक्की भाई, हमारे विक्की भाई हैं, ये तो आप जानते होंगे। मेरा तो, मैं तो शुरू से शेयर करता रहूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस है। पहले आया था तुंगनाथ, तो वहीं से वापस चले गए थे। अब के बाद भाइयों के साथ आए हूँ, दोस्तों के साथ, तो चंद्रशिला का भी ट्रैक कंप्लीट हो गया। मंदिर में माथा टेक लिया, मंदिर के मैंने दर्शन पहले करवाए दिए थे आपके पास। बाकी तरुण भैया बताएंगे आगे। ओह ये हमारे तरुण भैया पानी पी रहे हैं, डिहाइड्रेट हो गए इनकी बॉडी पूरी तरीके से। थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया। ही नीड सम क्या बोलते हैं, सो ORS इलेक्ट्रोल पाउडर। सो या ये भैया अभी बिल्कुल थके आ रहे हैं, लेकिन गलती एक 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 सुन, एक ही तरह एक ही तरह सलिया से वापस आ गए नीचे बाबू। और ले 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 मेला बाबू की हालत खराब बोली है। मेला बाबू ने थाना तो था लिया, लेकिन बाबू की हालत तलाब बोली है। अरे हालत कैसे खराब हो रही है देख। अरे गाने बंद कर ले, कॉपीराइट आ गया, एक सेकंड बंद कर ले जरा, एक सेकंड बंद कर ले बस। चले हाँ दूर चला गया, वाह। तो वापस तुंगनाथ आ गए, अब यहाँ से ट्रैक करना मेन, मतलब खतरनाक वाला तो हमारा क्लियर हो गया, चंद्रशिला वाला। कि वहाँ पे ना दिक्कत क्या है, बर्फ हो गई कच्ची, पिघलने लगी है ठीक, उसके बाद पैर रहे हैं फिसल, और ये बर्फ लग गई थी मेरे साथ वालों का। एक सेकंड बदतमीजी मत करिए, सुन पिताजी को नहीं मारना है। ओए ओए उधर मारिए उधर, मेरे नहीं मेरे नहीं मेरे नहीं मेरी नहीं साले, बताऊं भी। उतरना शुरू कर दिया है तुंगनाथ से, यहाँ डेढ़ घंटा मुझे हो गया अकेले को, बाकी सारे शायद पीछे हैं, अभी पीछे ही हैं क्योंकि मैं आगे आ गया था राम राम से चल के। बट अब पैर वापस जवाब दे रहे हैं मेरे, जैसा केदारनाथ में हुआ था। केदारनाथ में दोनों अंगूठों के नेल उतर गए थे, बट इस बार साइड वाली उंगली लग रही है मुझे गई। ऐसी डाउट मुझे तब हुआ था, ऐसी मुझे अब हो रहा है। एक बार एक है तरुण आ जाए नीचे जल्दी से, फिर यार गाड़ी में बैठ के मैं तो जूते उतार दूँगा, बट उससे पहले नीचे जाते चॉकलेट वगैरह खानी है और लिक्विड लेना, लिक्विड डाइट लेनी है पूरी वापस से, जितना मीठा मिल जाए, क्योंकि दर्द भी ठीक हो जाएगा उससे और एनर्जी भी रिकवर हो जाएगी जितना शुगर अंदर जाएगी, क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। अब डेढ़ घंटे से नॉन स्टॉप चलाऊँ अभी तक नहीं बैठा, अब आके बैठा था मैंने कहा अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी ये देख लो हाल,
ये शॉर्टकट से जा रहे हैं, वैसे भी हम जो मेन वाला रास्ता है वो उस साइड है, बट उस पर पूरे पे बर्फ़ जम रही है, वो फिसल रहा है पूरा रास्ता, तो मोस्टली सभी शॉर्टकट ही लेके आ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम में भी शॉर्टकट ही लिए थे, अब तो कुछ बर्फ़ नहीं है, जो फर्स्ट टाइम में थी यहाँ सारा पूरा कम्प्लीट कवर्ड था ये बर्फ़ के अंदर। तो यार चलो मैं वापस उतरना शुरू करता हूँ और बाकी रिकॉर्ड करते हैं नीचे पहुँच के सब। मैंने अपना रिकॉर्ड खुद ने तोड़ दिया, लास्ट टाइम भी सबसे पहले मैं ही आया था पूरे ग्रुप में, और इस बार भी अपने पूरे ग्रुप में सबसे पहले नीचे आ गया। ये देखो मेन गेट यहीं पे, और अभी तक साथ वाला कोई भी नहीं है, बस मैं ही उतरा हूँ पूरे ग्रुप में अपने के साथ। लास्ट टाइम भी यही हुआ था जब ऑफ मतलब कॉलेज दोस्तों के साथ आए थे, तब भी यही सीन था सेम, बट उस टाइम पे ये था कि बर्फ़ ज़्यादा थी, लेकिन मैं फिर भी 45 मिनट में आ गया था, इस बार लेट हो गया। तो मैंने बताया था अभी क्लिप में कि ट्रैकिंग अपनी पूरी हो गई है और तुंगनाथ से निकल भी गए हैं, श्रीनगर रह गया है मात्र 52 किलोमीटर है, वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, जहाँ पे कल खाया था वहीं पे खाएंगे। भाई हम कम्प्लीटली फेड अप, एग्जॉस्टेड, हालत ख़राब है, पैरों की ऐसी लगी पड़ी है, देखो जूतों की कंडीशन दिखाऊँ, साफ़ नहीं करें अभी तक, ये देखो तुरंत बैठ गया थे गाड़ी में आते ही। अब ठीक है, श्रीनगर पहुँच के खाएंगे और फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश में एक रात को रुकेंगे और फिर सीधा घर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड नाइट।